डीना अम्बाले लोगों का 2018 का संपूर्ण भविष्य फल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा मिश्रा और आप देख रहे हो मिश्रा फॉर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर डी है, यानी जैसे कि डी फॉर दीपक, डी फॉर दीपिका, डी फॉर धर्मेंद्र, यानी डी से जिसका भी नाम शुरू होता है उसका 2018 का ये साल है वो कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, इसी के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। और इसे बताने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, सब्सक्राइब के साथ साथ उसके बेल आइकन के बटन को दबाना जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि डी नाम वाले लोगों का 2018 का संपूर्ण भविष्य फल। वर्ष 2018 में ग्रहों की चाल में बदलाव कारण आप पर काम का दबाव हो सकता है, इस वजह से आपको थकान भी महसूस होगी, साथ ही काम के प्रति आपके जुनून के कारण फिटनेस पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है, सेहत में जल्द ही सुधार होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, नहीं तो फिर से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बाहर का खाना खाने से बचें, अपच और गैस की शिकायत रह सकती है। कार्यस्थल पर आप कड़ी मेहनत करेंगे और मनचाहे परिणाम भी प्राप्त करेंगे। सीनियर्स आपकी मदद करेंगे, लेकिन इस समय आपसे उनकी उम्मीद भी कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगी, अतः थोड़ा सतर्क रहें, अपने क्रोध पर काबू रखें और नाप तौल कर बोलें, जरूरत से ज्यादा बोलने का प्रयास ना करें। साथ ही ऑफिस में होने वाली गॉसिप से भी दूर रहें। व्यापार की बात करें तो इस साल आपको कुछ उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी मेहनत और सच्ची लगन से आप खूबसूरत परिणाम प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। जनवरी से फरवरी के बीच आपके रास्ते में कई सारी चुनौतियां आएंगी। एक बार फिर से ध्यान दें, जनवरी से फरवरी के बीच में आपके रास्ते में कई सारी चुनौतियां आएंगी, इसलिए बड़ा निवेश करने से बचें, यानी ज़्यादा पैसा खर्च करने से किसी भी क्षेत्र में बचें। इस अवधि के बाद आपकी आय में वृद्धि होगी और पैसे की आवक अच्छी रहेगी। हालांकि अनावश्यक खर्च करने से बचें। इस दौरान आप खूबसूरत यात्रा भी करेंगे। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा का योग कुंडली में नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहने वाली है तथा आप पार्टनर और परिवार के साथ यादगार पल भी बिताएंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। यह समय आपकी जिंदगी का सबसे शानदार समय होगा। माता जी की सेहत पर ध्यान दें। धार्मिक कार्यकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर पर पूजा पाठ का आयोजन भी होगा। इस समय आपकी पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी के कारण आप घर भी बदलेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर दिक्कत हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस साल अपनी गुप्त जानकारियों को किसी के साथ साझा ना करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस साल आपका प्रेम जीवन आपसे वक्त की मांग कर रहा है, यानी आपसे समय मांग रहा है। पार्टनर के साथ समय बिताएं और पुराने विवादों को सुलझाने की कोशिश करें। बच्चों की शिक्षा दीक्षा ठीक ठाक चलेगी, लेकिन वे थोड़ी शरारत भी करेंगे। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों पर ध्यान रखें और उन्हें समझाएं। पढ़ाई में बच्चों की मदद करें। विद्यार्थियों को इस साल पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। आप में से कुछ लोग सफल होने के लिए शॉर्टकट तरीके अपनाएंगे, लेकिन ये बात आप जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। परिवार के सभी सदस्य आपके लिए मददगार साबित होंगे। कोई भी फैसला लेने में जल्दीबाजी ना करें। 2018 में यदि आपके कैरियर की बात करूं तो भविष्य फल 2018 के मुताबिक इस साल आप अपनी मेहनत की बदौलत पैसे कमा पाएंगे। कुछ बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे में आपको अपना नजरिया बदलना होगा और सतर्क भी रहना होगा। अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में मीन राशि के जातकों को कार्यस्थल पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी आपको विशेष ध्यान देना होगा अप्रैल से सितंबर के बीच में। काम की अधिकता और व्यस्तता के कारण आपको थकावट महसूस होगी। हालांकि अक्टूबर के बाद समय बदलेगा और आपको सुकून मिलेगा। पेशेवर जिंदगी में कई हरे मौके मिलेंगे, इसलिए उनका फायदा उठाने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाएं। 2018 में यदि आपके कैरियर यानी रुपए पैसे की बात करूं तो फलादेश 2018 का रहा है। आर्थिक स्तर पर यह समय औसत रहने वाला है। इस साल आपको मुनाफा और नुकसान दोनों होंगे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्थिति ऐसी भी रहेगी। हालांकि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपका शानदार आइडिया आपको अपार धन लाभ कराएगा। पैसे कमाने के लिए आप अपने स्तर पर भी
पूरी कोशिश करेंगे और यही समर्पण आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन फैसले समझदारी पूर्वक लें। 2018 में यदि आपके शिक्षा की बात करूं तो राशिफल 2018 के अनुसार इस साल विद्यार्थियों के लिए बेहतर, बेहद ही फायदेमंद रहने वाला है, लेकिन पढ़ाई में समय देना होगा तभी बढ़िया परिणाम मिलेगा। शुरुआत में आप थोड़े आलसी हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि बिना मेहनत किए भी अच्छे अंक मिल जाएंगे, आप कुछ ट्रिक भी अपनाएंगे, लेकिन एक बात सदा याद रखिए कि आपको झोपड़ी नहीं महल बनाना है, और आप भी जानते हैं कि महल में बनाने में समय लगता है। एकाग्रता और याददाश्त कमजोर रहने से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अतः परेशान होने से अच्छा है कि पढ़ाई के लिए समय निकालें और माता पिता की मदद लें। इसके अलावा अपने गुरुजनों से भी सलाह ले सकते हैं। फरवरी के बाद आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी और आपकी सफलता में से लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यानी आप ऐसे सफल होंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। वहीं मार्च से मई तक की अवधि में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा और प्रारंभिक पढ़ाई में सफलता मिलेगी। 2018 में यदि आपके पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो भविष्यफल 2018 कहता है कि इस वर्ष आपका गृहस्थ जीवन आनंद के साथ व्यतीत होगा, परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा और परिवार के सदस्यों एक दूसरे से प्यार करेंगे, आपका जीवन साथी आपके हर मोड़ पर खड़ा रहेगा, आप दोनों के रिश्तों में मधुरता आएगी और आप एक दूसरे की मदद करेंगे, जीवन में भरपूर रोमांस रहेगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी, आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहेंगे, इस वजह से समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। 2018 में यदि आपके प्रेम और विवाह की बात करूं तो इस साल प्रेम संबंधों में आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं, इस वर्ष आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि साथी के साथ गलतफहमी हो सकती है, बातचीत के दौरान सतर्क रहें और नाप तौल कर बोले, नहीं तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, पार्टनर के ऊपर बेकार में शक संदेह करने से बचें, रिश्तों में पारदर्शिता रखें और एक दूसरे पर यकीन करें, साथ में समय बिताने की कोशिश करें, फरवरी से मार्च तक और सितंबर से नवंबर तक की अवधि आप दोनों के शारीरिक सुख प्रदान करेगी। 2018 में यदि आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो सितारों की चाल कहती है कि आप अपने स्वास्थ्य पर इस साल आपको विशेष ध्यान देना होगा, सेहत के मामले में लापरवाही आपको गंभीर मुसीबत में डाल सकती है, कुछ भी गंभीर बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, काम की अधिकता और आराम न मिलने की वजह से भी आपकी सेहत कमजोर पड़ सकती है, अतः काम के बीच में आराम के लिए समय निकालें और समय पर खाना खाएं, कई बार आप तनाव के भी शिकार हो सकते हैं, आपकी सेहत के खराब होने की सबसे बड़ी वजह खान पान में लापरवाही होगी, अतः आंत संबंधी भी कुछ परेशानियां हो सकती है, आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए इस साल सेहत के मामले में किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरते, वहाँ की सब बढ़िया ही रहने वाला है। आपके लिए जो कुछ उपाय है, आपका जो कुछ वक्त है वो खराब चलने वाला है, बाकी वक्त तो अच्छा है, लेकिन कुछ जो खराब चलने वाला है उसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ जिससे अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हो। पहला जो उपाय है वो ये है कि भगवान राम और भगवान विष्णु की पूजा करें और पीला चंदन लगाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो गले में भारंगी की जड़ धारण करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो गुरुवार के दिन उपवास रखें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और केला खाने से परहेज करें, यानी केला नहीं खाएं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक बोतल में काले कांच भर कर रख दें। एक बोतल में काले कांच नहीं, काले कंचे भर कर रख दें, यानी काले कंचे आप समझते होंगे, उसे एक बोतल में भर के रख दें। इन सभी में से आप कोई ना कोई उपाय, एक दो उपाय जरूर अपनाएं जिससे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 2018 में जो आपके साथ जो होने वाला है वो सारी बातें मैंने आपको लोगों बता दी हैं, और आपको ये वीडियो पसंद, यदि थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और आपके एक लाइक से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमारी जो मनोबल है वो बढ़ती है और हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मन करता है कि और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाओ। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।